सुन ले सुन ले, हेमंत सोरेन के हम लोग उपद्रव कलिंग करके देख ले, सामने उपद्रव नहीं, अधिकार अगर तू छीनेगा तो उसको छोड़ेगा भी। संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कितने दिनों तक ये चलेंगे, कितने दिनों तक अपनी राजनीति छूटी सकेंगे। अब इनकी राजनीति छूटी पकेगी नहीं बल्कि जला देना के काम कर रहा है। और अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है, मैं तो यहां से कहता हूं गुजरात में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों समझ जाओ, और एक भी आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी को ना जाए इसका संकल्प। इन लोगों ने आदिवासियों को, दलितों एक मजाक समझ रखा है, शोषण का एक जरिया समझ रखा है, और आज समय आ गया इनको जवाब देने का। इन लोगों ने 2014 से डबल इंजन की सरकार, पिछले बार हम लोगों ने देखा डबल इंजन का एक सरकार तो उतर गया है, अब दूसरा इंजन बाकी, उसका भी आप तेजी से तैयारी करने का जरूरत है, तेजी से तैयार। अभी और भी भाई लोग आ गए, आप देखिए हमें भी विलंब हो रहा है, हम छत्तीसगढ़ हमें जाना है, उससे यहां घोषित है, और आपको हम बता दें कि यहां हम लोग का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और ये सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगा। ये हम आपको इस सरकार का बाल भी ये नहीं बगा कर पाएंगे, और ये हमारा स्थापना दिवस इस बार का हम लोगों ने जो प्रोग्राम तय किया है, ये भव्य इस बार स्थापना दिवस मनेगा। और हमारे आग्रह पर आदरणीय देश के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुख्य अतिथि भी हमारा स्वीकार किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इनको मालूम है कि आज किस तरीके से वर्तमान सरकार राज्य के लिए काम कर रही है, इसको कैसे रोका जाए। एक एक प्रकार इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पकड़कर झूठे केस में, फर्जी केस में, वो भी कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है, और वो चितपुर नहीं, आज इसी के लिए कैसे हम और नया नया षड्यंत्र रचे। सोनिया गांधी को बुला सकते, राहुल गांधी को बुला सकते, तो हमारी ताकत ये है बस।
बस वगैरह भी फंस रहा है। हम लोग नहीं चाहेंगे बच्चों का और ज्यादा यहाँ समय जाया करें, इसलिए तैयार रहे अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए।